जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महाराज प्रतु को सनकादिक का उपदेश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार महाराज प्रतु अपनी सारी प्रजा को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। अब उससे आगे की कथा। आज मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि महाराज प्रतु अपने राज्य में सबको भगवान की भक्ति की ओर सदा अग्रसर करते रहते थे। धर्मात्मा राजा प्रतु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग श्री नारायण भगवान का स्मरण और कीर्तन करने लगे, उस समय एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार कहा है कि हे पितामह, मृत्यु लोक में राजा प्रतु ऐसा उत्पन्न हुआ है कि उसके उपदेश के कारण संपूर्ण संसार में भागवत धर्म फैल गया है। उसके धर्म प्रचार से सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सनकादिक चारों भाई महाराज प्रथु से भेंट करने के लिए उनके राजभवन में आ पहुंचे हैं। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भाइयों को देखकर महाराज प्रथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हो गए हैं। फिर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दंडवत करने के पश्चात उनकी स्तुति करने लगे हैं। सिंहासन पर सम्मान सहित बैठाने के उपरांत राजा ने उनके चरण धोए हैं तथा विधि पूर्वक चरणामृत लेने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार उनसे कहना आरंभ किया है कि हे मंगल मूर्ति मनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ है? जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर भगवान या श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनको इस लोक और परलोक में सभी पदार्थ मिल जाते हैं। आज आपके दर्शन प्राप्त करके मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान की अनंत कृपा हुई है। जिस स्थान पर आप जैसे योगियों के चरणों की धूल पड़ जाए, वह स्थान सदा के लिए पवित्र हो जाता है। आज मेरा जन्म सफल हुआ है आपके दर्शन प्राप्त करके। जिस घर में संत महात्माओं की चरण रज पड़ती है, उस घर में सदा भगवान की कृपा होती है। और जिस घर में कभी किसी संत महात्मा की चरण रज नहीं पड़ती, वो घर धनवान होने पर भी सदा निर्धनी माना जाता है। जिस घर में कभी किसी संत महात्माओं की चरण रज नहीं पड़ती, उस घर पर कभी भगवान की कृपा नहीं होती, क्योंकि भगवान जब भी मिलते हैं किसी संत महात्मा ऋषि मुनियों या योगियों की कृपा से मिलते हैं। हे मुनि ईश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मोक्ष के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त से ब्रह्मचार्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। हे स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? हम जो संसार सागर में फंसे हुए, जो माया में फंसे हुए, क्या हमारा उद्धार भी हो सकता है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं है। आप तो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए आपकी कुशल पूछने का प्रश्न बनता ही नहीं है। आप जैसे ऋषि मुनि, आप जैसे संत महात्मा तो सदा संसार सागर में फंसे हुए जीवों का कल्याण करते हैं। आप इस संसार में इसीलिए आते हैं कि साधारण मनुष्य आपसे भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके इस संसार सागर से पार हो जाएं। हे प्रभु, आप इतना कल्याण कीजिए, इतना बताइए कि संसार सागर में जो जीव डूब रहे हैं, जो मनुष्य संसार सागर में डूब रहे हैं, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? उनका सुगमता से कल्याण कैसे हो सकता है? उसका आप उपाय बताने की कृपा कीजिए। आज महाराज प्रथु पूरी श्रद्धा भावना के साथ बारंबार सनकादिक चारों भाइयों के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि मनुष्य मात्र के उद्धार का उपाय आप बता दीजिए। मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है? जो संसार सागर में सब डूब रहे हैं, उनका उद्धार
कैसे हो सकता है? महाराज प्रथु के मन में बड़ी शुद्ध भावना है, वो मनुष्य मात्र का कल्याण चाहते हैं। बड़ी सुंदर बात आज महाराज प्रथु ने पूछी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि महाराज प्रथु स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी के अंश से उत्पन्न हुए, भगवान का अवतार है, भगवान का अंशावतार है प्रथु जी महाराज। लेकिन सबको शिक्षा देने के लिए वो बता रहे हैं कि किस प्रकार संत महात्माओं के श्री चरणों में निवेदन किया जाता है, किस प्रकार ऋषि मुनियों के आगे हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया जाता है, किस प्रकार सनकादिक योगियों के श्री चरणों में निवेदन किया जाता है कि वो हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताएं। साधारण मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आज स्वयं भगवान के जो अवतार हैं महाराज प्रथु, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जब किसी ऋषि मुनि से भेंट हो जाए, जब किसी संत महात्मा से भेंट हो जाए, अथवा जब कोई संत महात्मा हमारे घर आंगन में पधारे, हमारे गुरुदेव जी महाराज हमारे घर आंगन में पधारे, तो उनको नमस्कार करके, उनको बार बार प्रणाम करके ये पूछना चाहिए कि मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है, हम सब का उद्धार कैसे हो सकता है, हम सब तो संसार सागर में डूबे हुए हैं, इसलिए हे महाराज हमारे उद्धार का उपाय बता दीजिए। आज प्रथु जी महाराज मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सनकादिक चारों भाइयों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें धर्म का ज्ञान बता दीजिए। आज सनत कुमार जी महाराज प्रथु की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन में महाराज प्रथु के लिए बड़ी श्रद्धा भावना है, क्योंकि महाराज प्रथु ने मनुष्य मात्र के कल्याण के उपाय पूछ लिए। आज महाराज प्रथु जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के उद्धार की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछ ली है। सच है कि साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। आप तो साधु महात्मा हैं, आप साधु महात्मा से कम नहीं है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। श्री सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि महाराज प्रथु, आप तो भगवान की भक्ति में लीन रहते ही हो, आप भगवान की कथा सुनते ही हो, आपके ऊपर जो भगवान की कृपा है वो सब पर नहीं हो सकती, आप भगवान की कथा सुनने में पूरी रुचि दिखाते हो, इसलिए आपकी भगवान के प्रति पूरी प्रीति है। हर किसी को भगवान की कथा में रुचि नहीं होती, और जिसको भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाए, जिसका भगवान की कथा सुनने में मन लग जाता है, केवल वही माया से बच सकता है, केवल वही संसार सागर से पार हो सकता है, क्योंकि भगवान की कथा सुने बिना किसी का कल्याण संभव ही नहीं है। जो मनुष्य दिन रात विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं, तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लीन हो जाती हैं। इसलिए मार्ग दो ही हैं, चाहे भगवान की भक्ति कर ली जाए, चाहे संसार की भक्ति कर ली जाए। जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो संसार की भक्ति करता है, जो संसार से प्रेम करता है, जो संसार के विषयों से प्रेम करता है, जो नाशवान संसार में अपने मन को लगा लेता है, जो नाशवान संसार के नाशवान प्राणियों में अपने मन को लगा लेता है, उसका उद्धार कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो संसार नाशवान है उसकी प्रीति अपने आप नाशवान ही हुई। तो मनुष्य का उद्धार तो तभी हो सकता है जब वो अविनाशी भगवान से प्रेम करे। संसार की हर वस्तु नाशवान है, संसार का हर व्यक्ति नाशवान है, सबका एक ना एक दिन नाश होने वाला है, तो उनसे प्रेम क्यों किया जाए? साधारण सी बात है कि नाशवान से प्रेम करने वाले कभी सुखी हो नहीं सकते, अविनाशी परमात्मा से प्रेम करने वाले सदा आनंद में रहते हैं। इसलिए हे महाराज प्रथु, जिसका मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उसके ऊपर भगवान की
कृपा होती है केवल वही माया से बच पाता है और किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की जो माया है वो किसी का पीछा नहीं छोड़ती। जो संसार के विषयों से प्रेम करते हैं, जो संसार में रहकर धन आदि से प्रेम करते हैं, उनका उद्धार होना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं करेगा, जब तक किसी संत महात्मा की शरण में जाकर उनसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं करेगा, तब तक मनुष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय यही है कि किसी संत महात्मा की शरण में जाकर उनसे भगवान की कथा सुनी जाए, उनके संग में रहकर भगवान से प्रेम हो सकता है। हे राजन, जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरमच्छों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना बड़ा कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय प्राप्त नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। संसार का सहारा लेने वाले कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकते। संसार सागर से केवल वही पार हो सकता है जो भगवान का आश्रय लेता है। संसार तो स्वयं अपने आप में कुछ भी नहीं है। संसार से प्रेम करने वाले कभी संसार से तर नहीं सकते। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो इस संसार सागर से आसानी से पार हो जाती हैं। जो भगवान से प्रेम करता है उनको भगवान मिलते हैं, जो संसार से प्रेम करता है उसे संसार नहीं मिलता। संसार के लोग आज तक किसी के नहीं हुए और ना आगे किसी के हो सकते हैं। संसार के लोग सदा अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जब तक संसार के काम आएंगे तभी तक संसार आपकी जय जयकार करेगा। जैसे ही संसार के काम आना बंद कर दिया वही संसार आपको पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए संसार से प्यार नहीं करना, भगवान से प्यार करना है, ताकि भगवान हमें इस संसार सागर से निकाल लें। हे राजन, जिस प्रकार अंधेरे में रखी हुई रस्सी को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि वो सांप है, रस्सी के रूप में हम सांप को देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, जैसे ही रोशनी होती है, हमें मालूम हो जाता है कि वो सांप नहीं है, वो तो साधारण सी रस्सी है। प्रकाश होते ही, रोशनी होते हुए हमें सच मालूम पड़ जाता है कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। ठीक ऐसे ही जो मनुष्य संसार सागर में डूबे हुए हैं, ज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं, उनको धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जैसे ही किसी संत महात्मा के द्वारा ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त करते हैं, जैसे ही किसी ऋषि मुनि के द्वारा कथा सुनते हैं, तो उनके जीवन में भी भगवान की भक्ति का प्रकाश आ जाता है। जैसे ही मनुष्य किसी संत महात्मा के चरणों की शरण में चला जाता है, ठीक उसी समय संत महात्मा उस पर कृपा करते हैं और उसके मन के अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। जैसे संत महात्माओं की चरणों की शरण में मनुष्य चला जाएगा तो संत महात्मा उसको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिससे उसके मन के अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे ही मन के अंधकार का नाश हो जाता है, ठीक उसी समय हमें भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की कृपा के बारे में, अपने धर्म के बारे में सब ज्ञान हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी समय हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन होने लग जाता है। अर्थात जब तक मनुष्य किसी संत महात्मा की शरण में नहीं जाएगा, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेगा, तब तक मनुष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, भगवान के संतों का संग अवश्य करना चाहिए। जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान के संतों का संग करता है, वो अपने आप संसार रूपी सागर से पार हो जाता है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, जो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, उनका उद्धार तो भगवान कर ही देते हैं। तो अपना उद्धार करने के लिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए भगवान के भक्तों से प्रेम करना, भगवान की कथा से प्रेम करना, अपने इष्ट देव से प्रेम करना, ये सब कुछ आवश्यक है। आज श्री सनत कुमार जी के द्वारा दिए गए इस उपदेश को सुनकर महाराज प्रथु कहने लगे हैं कि हे महात्मन, आपने बड़ी कृपा की है। हे भगवन, दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न
कर दिया, अब इसके बदले में आपको मैं क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ भी है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। हे ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आप ही के चरणों में अर्पित है। हे भगवन, आप तो बड़े कृपालु हैं, आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं, आप भगवान की भक्ति सबको प्रदान करते हैं। जो मनुष्य संसार सागर में डूब रहे हैं, माया मोह के चक्कर में पड़कर संसार सागर में डूब रहे हैं, उनका उद्धार आप जैसे संत महात्मा करते हैं। आप तो सर्वोपरि हैं, आप लोग तो सब पर उपकार करने वाले हो, आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। आज श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि विदुर जी महाराज, इसके पश्चात महाराज प्रथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की है। इसके पश्चात सनकादिक मुनि महाराज प्रथु के शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए हैं। आज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि महाराज प्रथु सदा धर्म के ऊपर चलकर अपनी प्रजा का पालन करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए हैं। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हरयक्ष, द्रविन और व्रक थे। महाराज प्रथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। महाराज प्रथु के शासन काल में सारी प्रजा सुखी थी, सब भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, किसी के जीवन में किसी तरह का अभाव नहीं था, सब भगवान की भक्ति में सदा लीन रहने वाले थे और धर्म कार्यों में सदा सब संलग्न रहते थे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 स्कंद के 22 अध्याय की कथा को आपने सुना। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।